गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने कहा है कि वो स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को 28 मई को रिकॉग्नाइज कर देंगे। इस स्टेप के बाद और भी ईयू कंट्रीज जो हैं वो ये कर सकती हैं। इसराइल पैलेस्टीन के अगर हम जो है कन्फ्लिक्ट के बारे में देखें तो अर्ली 19th सेंचुरी में पैलेस्टीन जो है वो मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन को इनहेबिट करता था, जहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम थे, 10% क्रिश्चियंस थे, 4% ज्यूज़ थे। लेकिन लेट 1800s में क्या हुआ, ग्रुप ऑफ ज्यूज़ जो कि ज़ियोनिस्ट जिनको कहा जाता है, वो धीरे धीरे जो है वो इस लैंड को कॉलोनाइज करने लगे। उनका टारगेट ये था कि इसको ज्यूइश होमलैंड बनाया जाए। फिर उसके बाद जब 1930s में, जब लेट 30s 40s के अर्ली 1940s में हिटलर जब पावर में आया तो ज्यूइश इमिग्रेशन जो है पैलेस्टीन में वो इंक्रीज़ हो गई। स्टेडी इन्फ्लक्स ऑफ ज्यूज़ की वजह से जो है कन्फ्लिक्ट इन पैलेस्टीन जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवेन किया, लेकिन उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है वो नहीं फॉलो किया और ज़ियोनिस्ट प्रेशर के अंदर यूएन ने रिकमेंड कर दिया कि 55% जो पैलेस्टीन है वो एक ज्यूइश स्टेट को दे देना चाहिए। 1947 से 1949 के बाद के बीच में फाइटिंग शुरू हुई। जैसे ही रेजोल्यूशन ऑफ जो है यूएन का अप्रूव किया गया 1948 मई 14, ब्रिटेन ने जो कि उस टाइम पर पैलेस्टीन का कॉलोनाइज़र था, उन्होंने ज्यूइश स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर दी 1948 में। उसकी वजह से जो है फुल स्केल वॉर जो है शुरू हो गई। बाय एंड ऑफ द वॉर इसराइल ने 78% ऑफ पैलेस्टीन पर कब्जा कर लिया और एक न्यू मैप बना दिया। ठीक है, फिर जो है वो कन्फ्लिक्ट आगे चलता रहा। 1993 में इसराइल और पैलेस्टीनियन लीडर्स जो हैं ओस्लो में मिले नॉर्वे में, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है टू स्टेट सॉल्यूशन को प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब 1948 का जो यूएन डिसीजन जिसने इसराइल को क्रिएट किया था उसमें एक नेबरिंग पैलेस्टीन स्टेट बनाने की भी बात की गई थी, लेकिन अभी तक कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज जो है वो डिवाइडेड है और यूएन मेंबरशिप उनको डिनाई की गई है। पैलेस्टीन अथॉरिटी सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करती है यूएन में। लगभग 144 आउट ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स जो हैं यूएन की वो पैलेस्टीन को एज अ मेंबर स्टेट जो है पैलेस्टीन को एज अ स्टेट रिकोगनाइज करती है, जिसमें इंडिया भी आता है ऑफकोर्स। लेकिन अभी तक सिर्फ 27 में से कुछ ही कंट्रीज़ हैं ईयू की जिन्होंने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया है। मोस्टली या तो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं पुरानी, या फिर स्वीडन और साइप्रस जैसी कंट्रीज़ हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और ईयू के मेंबर्स, माल्टा ने भी रिसेंटली कहा है कि वो जो है वो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिसेंटली मई 2024 में 143 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़ ने यूएन जनरल असेंबली में वोट किया, कहा कि यूएन की फुल मेंबरशिप दी जाए पैलेस्टीन को। वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूएस, ब्रिटेन और कई वेस्टर्न कंट्रीज जो है उन्होंने कहा कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट होनी चाहिए अलॉन्गसाइड इसराइल। लेकिन उन्होंने कहा कि पैलेस्टीनियन स्टेट झूठ जो है वो एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट का पार्ट होना चाहिए, लेकिन 2009 से कोई सेटलमेंट हो ही नहीं रही है। अब इंडिया की अगर हम देखें तो 1974 में इंडिया पहला नॉन अरब स्टेट बना जिसने कि PLO को रिकोगनाइज किया। 1988 में इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थे जिन्होंने पैलेस्टीन को भी एज अ स्टेट रिकोगनाइज किया। 1996 में हमने वहाँ पर गाजा सिटी में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला था, जिसको बाद में 2003 में रमाल्ला में शिफ्ट कर दिया गया। इंडिया जो है वो डायरेक्ट नेगोशिएशंस चाहता है ताकि एक स्टेट ऑफ पैलेस्टीन बन सके। अब जो आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे अगर फॉर्मली रिकॉग्नाइज करते हैं पैलेस्टीन को तो क्या होगा उससे? ऑफकोर्स बाकी की जो है ईयू कंट्रीज़ भी फॉलो कर सकेंगी इस जो है वो प्रोसेस को। एक बिग बूस्ट होगा पैलेस्टीन की ग्लोबल इमेज के लिए। ठीक है, अब इसराइल ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है? उन्होंने अपने एम्बेसडर्स जो है वो आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन से वापस बुला लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बिम्स्टेक। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिम्स्टेक जो है वो न्यू मेंबर्स एक्सेप्ट कर सकता है, ऑब्जर्वर्स को भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि जो चार्टर ऑफ बिम्स्टेक है वो अब इन्फोर्स हो चुका है 20th मई से। बिम्स्टेक एक इकोनॉमिक ब्लॉक है जो कि 1997 जून में बना था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। बिम्स्टेक इनिशियली फॉर्म हुआ 4 मेंबर स्टेट्स से, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, और परमानेंट सेक्रेटरीट इसका कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। मेंबर्स करंटली बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान है। एम है कि ग्लोबलाइजेशन के ऑनस्लॉट को जो है वो अपनी बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ किया जा सकता है। कई तरह के जो है सेक्टर्स पर इसमें जो है कोऑपरेशन होता है, जैसे ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज। एज ऑफ नाउ बिम्स्टेक में 14 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है। इंडिया लीड कंट्री है
ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, टूरिज्म, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, काउंटर टेररिज्म और ट्रांसनेशनल क्राइम के कंटेक्स्ट में। अगर हम बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस देखें तो ये ऑफकोर्स पुराने आंकड़े हैं थोड़े, 22% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 7 कंट्रीज में रहती हैं और कंबाइंड जीडीपी लगभग 2.7 ट्रिलियन का है। अब तो ऑफकोर्स ज़्यादा हो चुका है, इंडिया का ही 3.5 से ऊपर ट्रिलियन से ऊपर जा चुका है जीडीपी। 7 कंट्रीज जितनी भी हैं वो 3.4% से 7.5% तक की उनकी लगभग ग्रोथ रही है। इंडिया ने एक रिन्यूड पुश दिया बिम्स्टेक को जब उरी अटैक हुआ, उसके बाद से इंडिया ने उसको एक तरह से चाहा है कि सार्क को वो रिप्लेस कर दे। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे ग्रोइंग डिस्कॉर्ड है बिटवीन बांग्लादेश और म्यांमार, क्योंकि रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ जो है वो बांग्लादेश में एंटर कर रहे हैं 2017 से, सिमिलर रिफ्यूजीज़ जो है वो थाईलैंड में भी एंटर किए हैं म्यांमार से, और बिम्स्टेक एक न्यू बैटल ग्राउंड भी बन चुका है चाइना और इंडिया की डोमिनेंस के लिए। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अप्रैल 2024 में नेपाल की पार्लियामेंट ने बिम्स्टेक चार्टर को रेटिफाई कर दिया है। अब जो है जिसकी वजह से जो है बिम्स्टेक चार्टर जो है वो एनफोर्स हो चुका है 20 मई 2024 से। बिम्स्टेक एक लीगल पर्सनैलिटी एक्वायर कर चुका है, अब ऑफकोर्स वो स्ट्रक्चर डिप्लोमेटिक डायलॉग कर पाएगा अपने ही फॉर्म में, क्योंकि वो एक लीगल कंपनी बन चुका है या लीगल पर्सनैलिटी बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्लानिटरी अलाइनमेंट। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 जून को प्लानिटरी अलाइनमेंट इस तरह से होगा कि लोग 6 प्लैनेट्स को एक लाइन में देख सकेंगे स्काई में। प्लानिटरी अलाइनमेंट ऐसी होती है कि जिसमें पोजीशनिंग ऑफ प्लैनेट्स इस तरह से होती है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में दिखते हैं या फिर वो एक जो है क्लोज दिखते हैं एक स्पेसिफिक वेंटेज पॉइंट से अगर हम अर्थ से देखें तो काइंड ऑफ ये एल्यूजन है। ऑफकोर्स प्लैनेट सीधे तो चल नहीं रहे होते हैं बट उनका ऑर्बिट अर्थ से ऐसा दिख रहा होता है कि वो सीधे एक लाइन में है। ठीक है, कौन कौन से प्लैनेट्स दिखेंगे? मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मरकरी और जुपिटर जो है वो नहीं दिखेंगे क्योंकि वो सन के बहुत करीब होंगे तो ऑफकोर्स उनको देखना मुश्किल होगा। मार्स और सैटर्न विजिबल होंगे बट बहुत ही डिम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई वी टोल। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो IIT मद्रास द्वारा इंक्यूबेटेड ई प्लेन कंपनी वो अपना ई फ्लाइंग टैक्सीज बेंगलुरु में लॉन्च करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ करते के होवर टेक ऑफ और लैंड करती है वर्टिकली। एक तरह से लो ऑल्टीट्यूड अर्बन एयर मोबिलिटी एयरक्राफ्ट है जिसमें कुछ ही पैसेंजर्स जो है वो फ्लाई कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं इसमें, मतलब इसको आप ई टैक्सीज की फॉर्म में कह सकते हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जो है उसमें एक सक्सेस देखने के बाद मोटर, बैटरी, फ्यूल सेल, इलेक्ट्रिक कंट्रोलर टेक्नोलॉजीज़ में जो है प्रोग्रेस देखने के बाद ये अर्बन एयर मोबिलिटी जो है वो पॉसिबल हो पाया है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या होंगी? एयर टैक्सी, डिलीवरी, मेडिकल असिस्टेंस, कार्गो ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन, इन सब के लिए इसको यूज़ किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में एज कम्पेयर टू प्रीवियस रिपोर्ट। तो ये सेकेंड एडिशन है इस इंडेक्स का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये फ्लैगशिप इंडेक्स है। इसको बनाया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ सरी द्वारा और कुछ लीडिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन से इनपुट लेकर। इंडिया का रैंक 39th है, हाईएस्ट इन साउथ एशिया और अमंग लोअर इन मिडल इनकम कंट्रीज। इंडिया का पिछली बार रैंक 54th था 2021 के इंडेक्स में। अब ये 2 साल में एक बार निकलता है इंडेक्स, बायनियल है ये इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फॉरनर्स ट्रिब्यूनल। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिपोर्टेशन ऑफ अ वुमन जो है रोक दिया है जिसको एक फॉरनर डिक्लेयर किया गया था फॉरनर्स ट्रिब्यूनल ऑफ असम द्वारा। तो फॉरनर्स ट्रिब्यूनल क्या है? ये ऑफकोर्स फॉरनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 द्वारा बनाए गए हैं ताकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रेफरेंस बना दे सके कि एक पर्सन जो है वो सस्पेक्टेड है कि वो फॉरनर है, वो ट्रिब्यूनल को ऐसी रिकमेंडेशन दे सकते हैं। फॉरनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 का सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इनेक्टेड है फॉरनर्स एक्ट 1946 के अंडर। ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है लेकिन अभी तक सिर्फ असम में ही ये ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। बाकी की स्टेट्स में अभी भी वही पुराना सिस्टम चल रहा है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट मिलता है तो उसको लोकल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है और फिर फॉरनर्स एक्ट के प्रोविजंस द्वारा उससे डील किया जाता है। अब फॉरनर्स ट्रिब्यूनल की जो है क्या ज़रूरत थी? SPs या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स जो है उनको एम्पावर करता है ये ताकि वो सस्पेक्टेड फॉरनर्स को डिटेक्ट कर सके। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी अगर डाउटफुल वोटर्स देखता है तो वो ट्रिब्यूनल को वेरीफाई करने के लिए उनकी सिटीजनशिप वो आगे भेज देता है। पर्सन जो एक्सक्लूड किए जाते हैं फाइनल ड्राफ्ट ऑफ NRC से वो भी जो है वो अपील कर सकते हैं फॉरनर्स ट्रिब्यूनल में अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए। अब अगर आपके ऊपर जो है जो ट्रिब्यूनल है वो आपको एक कॉपी भेज देता है अगर कि आपके आप जो है फॉरनर हो तो ये नोटिस जो है
उसमें जो प्रोसीडिंग होता है उसके ऊपर ये भार आ जाता है कि उसको प्रूव करना होता है कि नहीं वो फॉरनर नहीं है। पर्सन को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे। प्रोसीडी अगर फेल कर दे हो जाता है अपना कोई प्रूफ देने में या अपनी सिटीजनशिप के क्लेम देने में, तो उसको डिटेन करके जो है वो डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो डिसीजन है फॉरनर ट्रिब्यूनल के वो बाइंडिंग हो गए नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन के कंटेक्स्ट में, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is recognition of Palestine. This topic is important for your international relations. So Norway, Ireland and Spain, they have announced that they will formally recognize the state of Palestine, and this recognition of Palestine is expected to take place on 20th May. This step may encourage other EU countries to do the same. So if we look at the Israel-Palestine conflict, in 19th century the land of Palestine was inhabited by a multicultural population which consisted of Muslims predominantly, Christians and Jewish also, who were living in peace. But in late 1800s, a group in Europe decided to colonize this land. They were known as Zionists. Their goal was to create a Jewish homeland. But Hitler's rise to power increased Jewish immigration to Palestine, and with this steady influx of Jews, the conflict in Palestine started to grow. So in 1947, the United Nations decided to intervene, but it did not choose the principle of self-determination of people. Under considerable Zionist pressure, UN recommended giving away 55% of Palestine to a Jewish state. Okay, the fighting almost began as soon as this resolution of UN was approved. In 1948, Britain, who was the colonizer of Palestine, declared the establishment of a Jewish state called Israel. This sparked a full-scale war, and by the end of the war, Israel conquered 78% of Palestine and a new map was drawn up. In 1993, a breakthrough agreement was negotiated between Israel and Palestinian leaders in Oslo, that is in Norway. And under this process, Israeli government and the PLO both agreed on a plan to implement a two-state solution. Okay, so what is the issue of statehood to Palestine? So in 1948, when the UN decision created Israel, it also envisaged a neighboring Palestinian state. But until now, even today, the control of Palestinian territories remain divided and bids for UN membership have been denied. Palestine Authority is just a observer, has just been enjoying an observer status at the UN. Current status says that 144 out of the 193 member states of UN recognize Palestine as a state, including most of the global south, Russia, China and India. Okay, however, so far only a handful of EU members have recognized Palestine, mostly former communist countries as well as Sweden and Cyprus. Britain, Australia and EU member Malta have recently indicated that they could follow the suit. So in May 2024, 143 of 193 countries in UN General Assembly voted for full membership of UN to the state of Palestine. US, Britain and even other Western countries backed the idea of an independent Palestinian state existing alongside Israel. However, they insisted that Palestinian statehood should come as part of a negotiated settlement. There have been no substantive negotiations since 2009. India and Palestine have had a relationship since 1974, when India became the first non-Arab state to recognize Palestinian Liberation Organization. In 1988, India was one of the first countries to recognize Palestinian state. In 1996, India opened its representative office to Palestine in Gaza City, which was shifted to Ramallah in 2003. India also advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine. So What does this Ireland, Spain and Norway recognizing Palestine mean? So in Ireland, Spain and Norway, they have announced that they would be recognizing Palestine on 28th May. This would symbolize a boost for the Palestinians' global image. Israel has reacted sharply by recalling its ambassadors to Ireland, Norway and Spain. Okay. So the next topic is BIMSTEC. This topic is important for your international relations. So BIMSTEC can now accept members, new members and observers, because the first charter of BIMSTEC has come into force on 20th May. BIMSTEC is an economic bloc which came into being in 1997 through the Bangkok Declaration. BIMSTEC was initially formed with four member states, Bangladesh, India, Sri Lanka and Thailand. But now, Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Nepal and Bhutan are the members. Its permanent secretariat is in Dhaka, that is in Bangladesh. And the aim is to counter the onslaught of globalization by accelerating regional growth. Okay, so it has six sectors in which cooperation is being
conducted, trade, technology, energy, transport, tourism and fisheries. As of now, BIMSTEC has 14 priority areas of cooperation. Climate change was added as the 14th priority area in 2008. India is the lead country for transport and communication, tourism, environment, disaster management, counter-terrorism and transnational crime. About 22% of the world's population live in these seven countries, and it has a combined GDP of close to 2.7 trillion at the time when BIMSTEC was formed. Currently, it is much more than that. All seven countries have sustained average annual growth rates between 3.4% to 7.5% between 2012 and 2016. India gave a renewed push to BIMSTEC after the terrorist attack in Uri because it was said that India wants SAARC to be replaced by BIMSTEC in regional affairs. Okay, but all is not too good. There is a growing discord between Bangladesh and Myanmar since at least when Rohingya refugees started entering Bangladesh in 2017. Similar refugees from Myanmar have also streamed into Thailand since February 2021 coup. And BIMSTEC has become a new battleground for India-China battle also for dominance. Okay, so what has happened recently is that in April 2024, Nepal's parliament took up the BIMSTEC charter and they ratified it, which has paved the way for the coming into force of this charter. BIMSTEC charter is now enacted. BIMSTEC charter is now enforced since 20th May 2024. With this coming into force of the charter, BIMSTEC has acquired a legal personality and now it will be able to enter into structured diplomatic dialogue with other groupings and countries. Okay. So the next topic is planetary alignments. This topic is important for your science and tech section. So next month on 3rd of June, there will be planetary alignments, which may actually allow people to witness six planets align in the sky. So planetary alignment is a term used to describe the positioning of planets in the solar system such that they appear to be in a straight line or close to one another when viewed from a specific vantage point on Earth. Okay, so this phenomena is of course illusion because of course, planets are not walking in line, but it looks from the Earth that as if their orbit is in line. Okay, so which are these aligning planets? Mercury, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. But Mercury and Jupiter will be tricky to see because they will be very proximate to Sun in their orbit. However, Mars and Saturn will be visible to the naked eye. Of course, they would be very dim. So the next topic is EV toll. This topic is important for your economy section. IIT Madras incubated e-plane company is expected to launch its e-flying taxis in Bengaluru this year, but of course the Indian government is yet to establish clear policies regarding eVTOL flying taxis. So eVTOL means electric vertical takeoff and landing aircraft, which uses electric power to hover, take off and land vertically. So it's a low altitude urban air mobility aircraft capable of carrying only a few passengers. And most eVTOLs use distributed electric propulsion technology, which means integrating a complex propulsion system with the airframe. There are multiple motors for various functions to increase efficiency and also to ensure safety. So this is a technology which has grown on account of success in electric propulsion based on progress in motor, battery, fuel cell, electric control technologies. And this is also fueled by the need for new vehicle technology that ensures urban air mobility. So what are the applications? So air taxi, delivery, medical assistance, cargo transport, recreation, all can be done by this eVTOL. In the near future, these eVTOLs will enhance on-demand mobility for intra and intercity transportation. Okay. So the next topic is Travel and Tourism Development Index. This topic is important for your economy section. So India has improved its ranking in the recently released Travel and Tourism Development Index as compared to the previous report, which was released in 2021. So this is the second edition of this index, which has evolved from the Travel and Tourism Competitiveness Index, which was the flagship index of World Economic Forum, which was in production since 2007. So this index has been created in collaboration with University of Surrey, with inputs from leading travel and tourism stakeholder organizations, thought leaders and data partners. India is ranked 39th, the highest in South Asia and among other lower middle income economies. India's new ranking is a notable improvement from its 54th position in the 2021 index. This is a biennial index and it analyzes the travel and tourism sector of 119 countries and evaluating them on a range of factors and policies which foster tourism development. Okay. So the next topic is Foreigners Tribunal. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has recently halted the deportation of a woman who was declared a foreigner by a Foreigners Tribunal in Assam. So what are these Foreigners Tribunal?
ओके सो दीज एफ टीज दीज फॉरनर ट्रिब्यूनल्स दे केम इन टू एग्जिस्टेंस थ्रू द फॉरनर्स ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर टू 1964 सो एज टू अलाउ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक अ रेफरेंस अबाउट अ पर्सन सस्पेक्टेड टू बी अ फॉरनर टू द ट्रिब्यूनल्स सो दीज ऑर्डर ऑफ 1964 वॉज इनेक्टेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द यूज ऑफ पावर्स ग्रांटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फॉरनर्स एक्ट ऑफ 1946 दिस ट्रिब्यूनल ऑर्डर ऑफ 1964 अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया बट These foreigner tribunals exist only in Assam as of now. In other states, if an illegal immigrant is found, he or she is produced before a local court and dealt with the as per the Foreigners Act of 1946. Okay. So, prior to the 2019 amendment to the Foreigners Tribunal Order of 1964, only the central government was empowered to establish foreigner tribunals in state. But after this amendment, the power has also been granted to the states as well. So what is the need of these foreigner tribunals? So the SPs and district commissioners were empowered to detect suspected foreigners, and even Election Commission of India can also refer to cases of D or doubtful voters to the local SP, who will then refer to them to a tribunal to verify their citizenship. The persons excluded from the final draft of the NRC, as which was released in August 2019, can appeal before the foreigner tribunals to prove their citizenship. So this tribunal is supposed to serve upon such a person a copy of the main grounds on which he is alleged to be a foreigner. A show cause notice is also given within 10 days of receipt of the reference from the concerned authority. The notice should clearly indicate that the burden is on the proceedee to prove that he or she is not a foreigner. Foreign tribunal is also to give the person a reasonable opportunity to make a representation. If the proceedee fails to produce any proof regarding support in claim of his or her citizenship and also not able to arrange for bail, then the foreigner tribunal shall detain him and send him to a detention center. Supreme Court has held that the decision of the foreigner tribunals regarding the nationality of a person will be binding. Also, the decision of the tribunal will be given more importance than that of government or credentials and the NRC verification authority. Okay. So these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.